हरियाणा के नूह जिले के चंदेनी गांव की शामिया आरजू 20 अगस्त को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे क्रिकेटर हसन अली की हो जाएंगी। दुबई के एंटलांटिस पाम जुबेरा पार्क होटल में उनका निकाह होगा। दोनों परिवारों के करीब 30 लोग निकाह में शामिल होंगे। शामिया दुबई की एयरलाइन एयर अमीरात में फ्लाइट इंजीनियर है। हसन अली ने अपनी बैचलर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। इसके अलावा हसन अली और शामिया के प्री वेडिंग फोटोशूट की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शामिया के पिता लियाकत अली ने बताया है कि बंटवारे के वक्त उनके काफी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने कहा, बेटी की शादी तो करनी ही है, ससुराल चाहे भारत हो या फिर पाक, इससे फर्क नहीं पड़ता। शामिया शादी के बाद गुजरानवाला में ही बस जाएंगी। उन्होंने कहा था, हमारा निकाह 20 अगस्त को तय हुआ है, जबकि रुखसती 3 महीने बाद होगी और शादी के बाद हमारी योजना गुजरानवाला में ही रहने की है। शामिया ने मानव रचना विश्वविद्यालय से एरोनॉटिक्स की डिग्री ली है और उन्होंने इंग्लैंड में भी पढ़ाई की है। हसन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं काले और लाल रंग की शेरवानी सूट पहनूंगा जबकि वो भारतीय परिधान पहनेंगी। हसन ने कहा, एक साल पहले दुबई में शामिया से मिले थे और उस मुलाकात के बाद उनकी मित्रता गहरी होती गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी पसंद का इजहार पहले किया और उन्होंने प्रस्ताव दिया, जिसके बाद हमारे परिवारों ने जिम्मेदारी ली। हसन अली ने अपनी बैचलर पार्टी की तस्वीर शेयर की है। हसन ने अपनी बैचलर पार्टी में हरे रंग का कुर्ता पहना था। बता दें, हसन अली पाकिस्तान के चौथे क्रिकेटर हैं जो भारतीय लड़की से शादी करने जा रहे हैं। इससे पहले जहीर अब्बास, मोहसिन खान और शोएब मलिक भी भारतीय लड़कियों से निकाह कर चुके हैं। आपको बता दें, 7 भाई बहनों में दूसरी सबसे युवा शामिया ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 में सेंट पीटर स्कूल में पढ़ाई की है। उन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद में सेक्टर 14 के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। बाद में वो मानव रचना यूनिवर्सिटी से जुड़ी और एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री लेकर जेट एयरवेज में काम करने लगी। इसके बाद शामिया इंग्लैंड चली गई और वहां पढ़ाई करने के बाद उनकी नौकरी दुबई के एयर एमिरेट्स में लग गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।